press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत से इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग, एक स्पेशल और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे साजिद ताड़स साहब को, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। वो है तो पाकिस्तानी मूल के, पर वो अमेरिका में रहते हैं, और खास बात यह है कि वो आजकल हमारे प्यारे देश भारत में है, और देखते हैं और जानते हैं कि भारत के बारे में वो क्या सोचते हैं और भारत में उनका एक्सपीरियंस क्या रहा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके से इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। साहब, एक तरफ तो आज भारत में उन्होंने ऐलान कर दिया 2035 तक वो स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं, और 2040 तक वो मैंड मिशन लेके जा रहे हैं चाइना, चांद के ऊपर। तार साहब, इंदौर में डेवलपमेंट्स बताएं और ये बताएं कि, और यहाँ पे पाकिस्तान में तो हम जो है वो मार रहे हैं एक दूसरे को, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के रास्ते पे हैं, आपका ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस क्या कह रहा है तार साहब, ये जो इंदौर के हवाले से भी बताएं और ये जो मोदी साहब का प्लान है इस हवाले से भी कुछ शेयर करें सर। शीमा साहब, मैं, मेरा आज से तकरीबन 5 साल पहले जो पिछला ट्रिप था, और उसको मैं उस 5 साल को और उसके बाद होने वाली सारी डेवलपमेंट को मैं उस लेंस से देख रहा हूँ। मैंने न्यू दिल्ली को भी उसी लेंस से देखा है और मैं इंदौर को भी उसी लेंस से देख रहा हूँ। जिस तरह आपको मैंने बताया, सबसे पहले मैं जब उतरा हूँ वहां पे, तो वहां पे उतरते ही जो मुझे सबसे बड़ी, जो पिछली दफा नहीं थी मेरे ख्याल एयरपोर्ट पे, देवी अहिल्या बाई होलकर का सामने एक पूरा म्यूजियम टाइप, उनकी तस्वीर, उनके स्टैचूज, वो सारी चीजें इंदौर के हिस्टोरिकल, और उनका बहुत बड़ा नाम है यहाँ, जो हॉस्पिटल है वो उसका नाम भी देवी अहिल्या बाई होलकर, और यहाँ पे एयरपोर्ट का नाम भी यही है, यूनिवर्सिटी का नाम है, हॉस्पिटल का, उनकी एक होलकर फैमिली की एक पूरी एक डायनेस्टी मौजूद है यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले जो आपने बात की कि निकलते ही पहला जो साइन वेलकम करता है एयरपोर्ट से बाहर, कि द इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, छठी दफा इंदौर ने ये टाइटल लिया है कि क्लीनेस्ट सिटी। बल्कि कल मैंने फर्स्ट हैंड जो एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं डाउनटाउन घूम रहा था, तो वहां पे ट्रैश रिमूवल की एक गाड़ी फिर रही थी, जिससे लाइव लोगों को रिक्वेस्ट और जुर्माने की धमकी दी जा रही थी कि आप अगर ट्रैश फेंकेंगे तो जुर्माना किया जाएगा। 2015 में मूवमेंट शुरू की गई, 3000 से ज्यादा डस्टबिन लगाए गए, और वो तकरीबन 5000 मीटर की दूरी पर उन्होंने उसको रखा, ना 500 मीटर के, हर 500 मीटर के ऊपर एक डस्टबिन लगाया गया। होम टू होम ट्रैश पिकअप किया गया। जो अचीवमेंट उन्होंने की है कि उन्होंने वेट और ड्राई ट्रैश को अलग अलग किया उसको, और उसके बाद तो सबसे ज्यादा वेस्ट उन्होंने एक वेस्ट डिस्पोजेबल अपनी उसकी वेस्ट मैनेजमेंट को उन्होंने इनकम के तौर पे इस्तेमाल किया। और मैं अवश्यक जो मैंने दोस्तों से पूछा, 2020 के अंदर उन्होंने तकरीबन 14 करोड़ 15 करोड़ के करीब IMS जो इनकी यहाँ पे मैनेजमेंट है, उन्होंने उसको उससे वेस्ट मैनेजमेंट से पैसे बनाए वेस्ट, और उसका 8.5 करोड़ कार्बन क्रेडिट से पैसे बनाए। तो नॉट ओनली ये दुनिया के लिए एक मॉडल है कि आप किस, यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, साउथ कोरिया इस वक्त पहला कंट्री है जो फूड मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहा है, घरों से जो आप फूड प्रेप करते हैं, फ्रूट काटते हैं, उनके छिलके, खाने के छिलके, सब्जियों के छिलके, उनको जब आप डिस्पोज करते हैं तो गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करके उसको उसके प्रोडक्ट्स बना रही है आगे, और इससे वेस्ट जो फूड वेस्टेज है वो कंट्रोल हो रही है। तो मैं एक तो ये देखा मैंने कि यहाँ पे ट्रैश को किस तरीके से उन्होंने एक इनकम का सिलसिला बना के एक क्लीनेस्ट सिटी। लेकिन यहाँ पे ये जरूर मैं बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट तो एक पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट ने तो सिर्फ 3000 डस्टबिन बनाए हैं, उसको इस्तेमाल तो लोगों ने करना है। आपने पूरी कौम को ट्रेन करना होता है, कौम जब तक आपके साथ मिलके इस मूवमेंट में शरीक नहीं होती तो वो मूवमेंट कामयाब नहीं होती। एक तो ये मैं एक सबसे, फिर उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला हूं चीमा साहब, तो मैंने देखा है कि एयरपोर्ट से लेकर इसके अंदरून शहर तक एक मेट्रो का बहुत बड़ा हमंकस मीलों पे फैला प्रोजेक्ट चल रहा है। मेरे जो होस्ट हैं भाटिया फैमिली है यहाँ पे, डिस्ताई फैमिली है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे जो दोस्त हैं सारे, और सलूजा फैमिली है, मैं उनके बैकग्राउंड भी बताता हूँ आप। जब मैंने अपने होस्ट उनसे मैं खासकर डेवलपमेंट के हवाले से बातें की, तो उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंदौर के अंदर नहीं चल रहा, यूपी के अंदर तकरीबन 4 से 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, और ये हर स्टेट के अंदर ऐसा हो रहा है।
अमृतसर के एयरपोर्ट मैं हैरान हूं, मैं जयपुर के एयरपोर्ट देख चुका हूं। इंडिगो इस वक्त दुनिया की पहली एयरलाइन है जो सबसे ज्यादा त्यारे इस साल खरीद रही। दूसरा, मैंने जब इस पर मजीद देख रहा था, मेरे लिए शॉकिंग चीजें मैं यहां पे नंबर सामने आ रहे हैं मेरे कि टाटा कंपनी $365 बिलियन के का उनका उनकी कंपनी है, जबकि मेरे वतन अजीज का टोटल साल का बजट ही 348 बिलियन है। तो एक कंपनी का बजट जो है वो मेरे वतन अजीज से ज्यादा है, लेकिन हम नफरतों में फिर भी अभी वहीं के वहीं हैं। हम लर्न नहीं करना चाहते, हम जंग करना चाहते हैं। ये फिलॉसफी चेंज करनी होगी, सोच बदलने की, सोच बदलो, पाकिस्तान बदलो। जिस तरह मैंने उसके साथ अगले दिन भी बात की है कि 1990s में भारत के पास सिर्फ 2 हफ्ते का के प्रोजेक्ट चीजें परचेज करने का की रकम मौजूद थी। ये कल की बात नहीं है, नरसिम्हा राव और उसके बाद हमारे मनमोहन सिंह साहब के दौर की बात है। लेकिन आज देखें, आज के इतने 1990 से और आज के इंडिया, आज के भारत में क्या फर्क नजर आ रहा है। ये सोचना होगा कि हम कहां जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। हमें जंगों से निकल के आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाना होगा। हमें सीखना होगा कि दुनिया तरक्की किस तरह कर रही है। हमें गैरिजन स्टेट से निकल कर एक्सपोर्ट स्टेट बनना होगा। हमें गैरिजन स्टेट से निकल के बच्चों को मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा, वरना गुजारा नहीं है। आपने आज की जिस तरह एक मिसाल हम दे रहे थे भी कि किसी खातून के लिबास के ऊपर सिर्फ हलवा लिखा हुआ था, जिसका मतलब है खूबसूरत या मीठा होना खूबसूरत। तो आपने किसी एक मेरा पाकिस्तानी वतन अजीज का भाई पिस्तल लेके वहां पहुंच गया, कहता मैंने अभी इसको गोली मार ली। ये किस मजहब में आपको इसकी चीज की इजाजत है कि किसी को मार के, किसी जानवर को भी मार के आप खुदा को खुश करने का आपका प्लान है? ये किस तरह पॉसिबल है? मैं ये समझता हूं कि अगर दुनिया के किसी मजहब में भी अगर ये चीजें चल रही हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट रिलीजन। आप उसकी फिलॉसफी को समझ नहीं पा रहे हैं। और ये जो जिस तरीके से हो रहा है, और जो खास कर ये रेडिकलाइजेशन का जो आइडिया इटसेल्फ है, इट इज हर्टिंग 1.9 बिलियन मुसलमान। आप ना सिर्फ पाकिस्तान में 1.9 बिलियन मुसलमान हैं, उनकी स्टोरियां इस वक्त मशहूर है। मैं एक आज सुबह मुझे पता चला है अलजजायर के अंदर जो एक नई दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका ठेका चाइना के पास है और उसके बनाने के अंदर करप्शन है कि उसके नजर आ रहे हैं। कहते हैं अफ्रीका के सबसे बड़े मीनार होंगे, अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। जब वो मस्जिद को मैंने उसकी देखा, साथ ही मुझे इलामा इकबाल का शेर नजर आ गया कि मस्जिद तो बना दी पल भर में इमां की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। मनों के अंदर चोर है, मन हमारे काले हैं, मस्जिदें बना के हम समझते हैं कि शायद हम खुदा की खुशनुदी ले लेंगे। तुम किस तरीके से खातून को कहते हो कि हलवा उसके लिखा था लिबास पे, उसको मार के जन्नत के टिकट लेने की कोशिश कर रहे हो? ये किस तरह की फिलॉसफी है चीमा साहब? ये हमें कहां लेके जाएगी? हाँ, ये जरूर मुझे याद आया है कि ये बाग किसने लगाया था। एक जनरल जियाउल हक है, मैं उनके बारे में, उन्होंने डॉलर लेने के लिए उन्होंने ये इसकी पनीरी लगाई थी जिहाद की। उसके बाद हमारे मौलाना रिजवी साहब थे, वो बार बार चैलेंज दुनिया को करते थे, ए आया जे गौरी वो कहते गए। फिर हमारे मुर्शिद पाक आए हैं, दुख के साथ ये कहूंगा, उन्होंने जिस बंदे का नाम एज ए वजीर आजम प्रपोज किया है, उस बंदे ने स्टेटमेंट दी है कि हमारे इस इलेक्शन में पीटीआई के बक्सों के अंदर फरिश्तों ने वोट डाले। उमर अयूब साहब, जिनका नाम भी एन से शुरू होता है, उन्होंने कहा है कि हम पीटीआई के, उन्होंने पीटीआई को फरिश्तों ने वोट दिए 21st सेंचुरी के अंदर। तो आप देखें, और दूसरा, आपने मुझे कहा है कि मोदी साहब ने 2035 में स्पेस स्टेशन, जो पहले हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, उसका उन्होंने बुनियाद रख दी है। यहां पर यह बताना जरूरी होगा, मैं जिस मुल्क में बैठा हूं, 109 स्पेस स्टार्टअप का की बुनियाद है यहां, और प्राइवेट सेक्टर मैं अल्गोरिथम जिस तरह मैं शायद प्रोनाउंस, जिसकी बेस पे आज हर चीज हो रही है। आप फोन के पास बैठ के किसी चीज का नाम लेते हैं, 10 मिनट के बाद आपके फोन के ऊपर उसकी एड आ जाती है। आप उन सारी चीजों को छोड़ के उस तरफ मूव होने से आज आप ये बिलीव करते हैं कि पीटीआई के बक्सों में फरिश्तों ने वोट डाल दिए और वो फॉरेन ग्रेजुएट है,
और अयूब साहब जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से 2 डिग्रियां लेकर आए हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन मुर्शिद पाक को पसंद नहीं है, वो कहते हैं नहीं आपको चलाए मुल्क चलाएगी पिंकी पीर नहीं, और जिन जात यहां जिनों से आप एटॉमिक पावर को चलाएंगे, और खुदा दा नाज इस मुल्क पे तरस करो यार, तरस करो 250 मिलियन लोगों पे तरस करो यार। दुनिया जिस डायरेक्शन पे जा रही है आप जा रहे हो उनको लेके गजा की जंग की तरफ लेके जा रहे हो। अब ये दौर नहीं है, आज आज लोग जंगे नहीं करते, जंगे भी अब ड्रोन से हो रही है, अनमैन्ड ड्रोन चला रहे हैं जंगे। खुदा के लिए लोगों को मैथ और इंग्लिश पढ़ने दो, खुद तो जॉर्ज वाशिंगटन से पढ़ के आते हो और अब भी तुम्हारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, ये जिस कौम को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हो इसको भी सूख का सांस ले रहे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और साजिद तारड़े साहब का पूरा एनालिसिस, उनकी बातें और ये पूरा इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे उन्होंने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और जिस तरीके से भारत तरक्की कर रहा है और भारत और भारतीयों का नाम विश्व भर में हो रहा है उसकी भी साजिद तारड़े साहब ने खूब तारीफ की। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और साजिद तारड़े साहब के जो व्यूज हैं उनके बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत।